ना एक चीज मेरे को जो फील हुई है कि एक थोड़ा गाड़ी के अंदर एक कैबिन नॉइज आता है और थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है। लोग भाई वो जो बोलते हैं ना फीचर देख के कार नहीं लेते, भाई ये फॉर्च्यूनर के लिए सेट होता है वो। ये साइड लैंप है, ये कितने का लगा? ये 16,500 रुपए का सिंगल। सिंगल 16,500 रुपए? 16,500। बॉडी कवर 12,500 रुपए का यार। बॉडी कवर 12,500 रुपए। उसमें क्या है ऐसा? उसमें कुछ नहीं, गाड़ी ढक जाएगी और क्या है इसमें। तो यार वो तो 3,000 वाले में भी आ जाएगा, बड़े यार इजीली कहीं से भी से परचेज कर सकते हो। वो देखने तो एसयूवी 700 गया था और स्कॉर्पियो एन गया था, तब वो गए ना तो पीछे से गाड़ी ना थोड़ी दबी दबी लगी। वो स्कॉर्पियो एन अगर जाओगे तो इतनी डाउन पेमेंट में स्कॉर्पियो एन आ जाती है। नहीं सही में इतनी डाउन पेमेंट में स्कॉर्पियो एन आ जाती है, एसयूवी 700 भी इतनी डाउन पेमेंट में आ जाएगी तुम्हारी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। और साहिल भाई से भी बोल देता हूँ कि यार सबको बोल दो यार, लोग ना वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दो भाई का हमारा चैनल अपने। तो गाइस मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो यार आपके लिए ना आज कार लेके नहीं आऊं, आज आपके लिए जो मैं लेके आऊं एक चलता फिरता जहाज है। हाँ है तो इसके चार पहिए लेकिन ये है जहाज। कैटेगरी अगर इसकी देखी जाए ना तो पहले तो यार आप बता दो कौन सी कार है। यार ये अपने में एक ब्रांड है फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा एक अलग ब्रांड है लेकिन फॉर्च्यूनर ना अपना एक अलग टोरा लेके आता है। भाई साहब देखो यार कितनी बड़ी कार है यार ये, मतलब कि मतलब खत्म नहीं होती भाई, कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म भाई कुछ नहीं पता। रोड पे जब चलते हैं ना तो भाई मजा आ जाता है, मतलब लोग आपको मुड़ मुड़ के ना देखे तो मेरा नाम बदल देना कि यार ये गाड़ी है क्या है यार, ऐसा लगता है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे बैठ के आप गाड़ी चला रहे हैं। तो चलो मिलवाते हैं आपको फॉर्च्यूनर के ओनर साहब से। तो ये है हमारे फॉर्च्यूनर के ओनर साहब। तो सर क्या नाम है आपका? साहिल सोलंकी। तो सर का नाम है साहिल सोलंकी। तो कब गाड़ी खरीदी थी आपने? 28 फरवरी 2023 को खरीदी। 28 फरवरी, 4-5 दिन पहले की गाड़ी है। हाँ 5 ही दिन हुए हैं अभी। पूजा भी नहीं करी। तो यार सर आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, आया यहाँ पे आए हमारे साथ। अच्छा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब गाड़ी आप रोड पे लेके निकल रहे थे ना, मैं भाई के साथ ही आया था, सर के साथ ही गाड़ी में बैठ गया था, मतलब लोग ना आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं यार कि गाड़ी यार एक अलग ही लेवल है। पहली चीज तो गाड़ी से कोई बोलता नहीं है, सब फॉर्च्यूनर बोलते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि फॉर्च्यूनर मुझे खरीदनी है, मतलब क्या माइंड में आया था? घर में किसने बोला था कि फॉर्च्यूनर चाहिए मुझे? घर में पापा का शौक था, मैं देखने तो एसयूवी 700 गया था और स्कॉर्पियो एन गया था, तब वो गए ना तो पीछे से गाड़ी ना थोड़ी दबी दबी लगी। वो यार देखो मेरी बात सुनो यार, ये फॉर्च्यूनर है इसके आगे ना हर कोई छोटा लगता है। अब हम गए वहां पर तो आगे से तो ठीक थी फेसलिफ्ट वगैरह, उनकी अपनी जगह वैल्यू अच्छी है, हमारी अपनी जगह वैल्यू अच्छी है फॉर्च्यूनर की। तब एक बार को लगा है कि यार जब गाड़ी लेनी है तो फिर अच्छी सी लेंगे, यही क्या लेना। फिर हम डायरेक्ट गए, पहले तो हम यहाँ गए थे कॉन्सर्ट महिंद्रा, फिर यहाँ जब समझ में नहीं आई तो हमने सोचा अब कुछ कोई दूसरे शोरूम नहीं जाना, डायरेक्ट फॉर्च्यूनर गए, फिर लोस्कर टोयोटा वहाँ गए और वाइट कलर बोले कि सुपर एवरेस्ट वाइट, सुपर वाइट गाड़ी गाड़ी चाहिए, एसी 4x2 चाहिए, बस तीन चीजें बोली, कब मिल कब दे दो। तो ये कौन सा वेरिएंट है, डीजल है पेट्रोल है? डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट है 4x2 मैनुअल। मैनुअल में एक्स शोरूम कितना था इसका? एक्स शोरूम था इसका करीब 35,87,000 रुपए। और ऑन रोड? ऑन रोड 42,50,000। और अगर बात करी जाए कि क्या कहते हैं इंश्योरेंस कितने का हुआ था? इंश्योरेंस 1,73,000। 1,73,000 का इंश्योरेंस, मतलब 2 लाख के अंदर तो सेकंड हैंड बहुत सारी कारें आ जाती हैं। आरटीओ फीस कितना की? आरटीओ फीस टैक्स मिला के अगर करोगे करा जाएगा, फास्टैग वगैरह जो फाइल चार्ज वगैरह भी होता तो सब मिला के 5.5 लाख रुपए आरटीओ फीस था। 5.5, मतलब आरटीओ फीस। अबे भाई गाड़ी आ जाएगी एक यार, मतलब एक अलग से आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो जिसमें आपने ऑलरेडी टैक्स वगैरह दे रखे होंगे। स्कॉर्पियो एन अगर चाहोगे तो इतनी डाउन पेमेंट में स्कॉर्पियो एन आ जाती है। नहीं सही में इतनी डाउन पेमेंट में स्कॉर्पियो एन आ जाती है, एसयूवी 700 भी इतनी डाउन पेमेंट में आ जाएगी तुम्हारी। अच्छा लोग बोलते हैं इसके अंदर फीचर नहीं है, तो हमने क्यों खरीदी फिर कार ये वाली? अब जिसको फीचर चाहिए वो छोटी गाड़ी में जाता है, अब छोटी गाड़ी में ज्यादा लोग। भाई वो जो बोलते हैं ना फीचर देख के कार नहीं लेते, भाई ये फॉर्च्यूनर के लिए सेट होता है वो। अब ऐसा है ना जिसको फीचर सस्ती चीजों में लोग ज्यादा अट्रैक्टिव देते हैं, इसमें देते ही नहीं है वो। देखो यार एक चीज मैं बताता हूँ, जिसका नाम होता है ना और जिसको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है तो वो ये सब दिखाता नहीं है, ठीक है ना, कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये अपने में एक ब्रांड है, इसके आगे कोई नहीं टिकता यार। इसका इंजन इतना रिलायबल है ना, मतलब कि सालों साल चलने वाला इंजन है। पब्लिक 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी देती है। 5,00,000 किलोमीटर? 5,00,000 किलोमीटर की वारंटी है गाड़ी की। भाई 5,00,000 किलोमीटर अगर आपने कोई गाड़ी चला दी ना तो उसके अंजर बंजर ऐसे खुल जाएंगे। ये 5,00,000 की गारंटी देता है आपको। 5,00,000 के बाद होगा तो आना, होगा तो आना, वरना वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा की गारंटी देते 5,00,000 किलोमीटर की। इंजन अगर बात करी जाए तो 2.8 लीटर का इसका डीजल इंजन है। पावर की अगर बात करूं ना तो यार 201 bhp से ज्यादा की इसमें आपको पावर मिलती है और
445 एनएम का बहुत ही बड़ा टॉर्क मिलता है, मतलब कि यार गाड़ी में ना एक अलग ही पावर है, पंजा रखते ही गाड़ी रॉकेट बन जाती है। जैसे अगर हम अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाएंगे ना गाड़ी, जैसे मैं अभी पार्किंग से लेके आया, हाँ हाँ आपने बताया था, रखने की भी जरूरत नहीं होती, पंजा रखने की जरूरत नहीं, आप स्लोप पे गाड़ी चला रहे हो ना, क्लच छोड़ते ही गाड़ी ऊपर जाती है, गाड़ी तुम्हारी अपने आप ऊपर ऊपर, स्लोप पे भी गाड़ी ऊपर जा रही है क्लच छोड़ने से, सोचो कितना ज्यादा पावर है गाड़ी के अंदर। यार देखो डीजल के अंदर तो पावर होती है, और साथ के साथ अगर वो फॉर्च्यूनर में मिल जाए ना तो उसका भाई कोई मुकाबला नहीं है। अभी आपने कैसा लगा, 4 दिन आपने गाड़ी चला ली होगी? ज्यादा तो नहीं, मैंने मेरा ड्राइवर ने चलाई थी, मैं 2 दिन ही चलाई, एक कल चलाई थी पापा के साथ, एक भाई आपके साथ चलाई है बस। अच्छा मतलब ज्यादा नहीं चलाई आपने गाड़ी? ज्यादा ऐसा ना थोड़ा डर लगता है कि नई गाड़ी है अगर चलो। यार देखो ये तो लगता है, नई गाड़ी में ना बहुत डर लगता है। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? वैगनर। भाई वैगनर फॉर्च्यूनर, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे, सोचा कैसे गाड़ी इतनी सारी आपने स्किप कर दी बीच में। मैं बड़े बड़े नाम गिनाता हूँ आपको, जो अपने अभी इस टाइम पे बहुत टोरा दिखा रहे हैं ना रोड पे, ज्यादा दिखा, 700 का बहुत टोरा चलता है, या फिर स्कॉर्पियो एन का बहुत टोरा चलता है, फॉर्च्यूनर के आगे नहीं चलता है। अपने जो उनकी जो 20-25 लाख का एक अमाउंट है उसमें मैं बता रहा हूँ, अपने अपने सेगमेंट में वो अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां बुरी नहीं है, देखो खराब तो नहीं बोल रहे हम किसी भी गाड़ी को, उनको भी नहीं कहेंगे, अपने सेगमेंट में अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी है, लेकिन अब हमें क्लास चाहिए, टोरा चाहिए, या एक नाम चाहिए अलग, तो एक ब्रांड चाहिए फॉर्च्यूनर, अच्छा कोई ऑप्शन मिला नहीं, मिला नहीं है। तो इस अपने का है अपर मिडिल क्लास में, इससे अच्छी गाड़ी कोई है नहीं, इसकी ये ले लो वो ले लो, तो उसमें ना तुम्हें चीजें लोग ये कहेंगे अच्छा MG ली है या अच्छा स्कॉर्पियो ली है, इसमें लोग ये कुछ नहीं कहेंगे। MG की कार अच्छी होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी ना उसमें वो बात नहीं है जो इसके अंदर है यार, फॉर्च्यूनर के अंदर जो बात है मुझे तो लगता नहीं किसी के अंदर बात है। एक हाइप बन गई है कि हाँ फॉर्च्यूनर ली है, हाइप नहीं है सच में है यार ये गाड़ी, ये कि हाँ फॉर्च्यूनर ली है, लोगों ने ये तो नहीं कहा कि गाड़ी ली है बस एट लास्ट। तो ये है भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर का मैसिव सा इंजन, अगर बात करी जाए ना पावर की तो भाई 201 BHP, और अगर टॉर्क की बात करी जाए तो 450 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलता है। भाई देख लो कितना बड़ा इंजन है यार, मतलब मैसिव सा इंजन है यार, लगता है कि भाई मैसिव इंजन है 2.8 लीटर। तो चलो भाई से पूछ लेते हैं कि भाई ने गाड़ी में कितना काम करा दिया अभी तक। तो भाई सबसे पहले ये जो फॉर्च्यूनर लिखा आता है ये क्या कंपनी से आया था? नहीं कंपनी से नहीं आता, मैंने जब गाड़ी ली थी ना तो गाड़ी ऐसी गंजी गंजी सी लग रही, एकदम मतलब बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं था, है तो वैसे फॉर्च्यूनर, हाँ। लेकिन जब मुझे लगा ना कि यार ये फॉर्च्यूनर, मैंने पूछा मैं अपने उससे सेल्स मैनेजर से कि ये फॉर्च्यूनर कैसे तो उन्होंने कहा ये एक्सेसरीज का पार्ट है, एक्सेसरीज का ये लगवा दो एक ये एक्सेसरीज का। कितने का लगा ये? ये 5000 रुपये। 5000 रुपये का फॉर्च्यूनर लगवाने का? फॉर्च्यूनर लगवाया यार, बहुत ज्यादा कॉस्ट है। और क्या करवाया आपने गाड़ी में? एक ये साइड लैंप होता है, ये साइड लैंप है, ये कितने का लगा? ये 16,500 रुपए का लगा। सिंगल 16,500 रुपए? 16,500। इसमें क्या रहता है जैसे कभी कभी ड्राइवर सीट के अलावा कोई तुम्हारे पास कोई पैसेंजर नहीं बैठता, हाँ। तो ये वाला जो मिरर है ना वो आपको रियर व्यू अच्छा दिखा देता है, नीचे का बैक व्यू और रियर व्यू जो होता है ना, हाँ, वो बहुत नाली से लेकर जैसे कभी को गड्ढा होता है, क्लोज कॉल है आप बिल्कुल डिवाइडर के साथ चल रहे हैं, ये सब चीज दिखा देता है, ये दिखाएगा वो भी दिखा देता है, वो भी दिखाते हैं। इसके बाद मैंने और क्या काम कराया आपने? एक ही कराया थी साइड स्लाइडिंग फॉर्च्यूनर, ये लिखवाई थी दोनों साइड, ये दोनों साइड है जो इस तरह से लिखा हुआ है फॉर्च्यूनर, तो ये 24,500 रुपए की लगी दोनों। ये साइड ग्लाइडिंग फॉर्च्यूनर लिखी हुई 24,500, 24,500 रुपए की, बहुत ज्यादा कॉस्ट है यार। अच्छा बाय द वे एक चीज मैं बता दूं, जो स्टेप से ये गाड़ी आता है स्टार्टिंग से ही आता है, मतलब ये हमने बाद में इंस्टॉल नहीं कराया, कोई सा भी वेरिएंट लेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये लिखवाया नहीं कि पैसे, हाँ, ये लिखवाया भाई ने, जो फॉर्च्यूनर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये लिखवाया। अभी तो एक्सेसरीज के काफी पार्ट थे, जैसे यहाँ क्रोम फिनिश है ये नहीं लगाए, ये अभी मफलर कटर है ये नहीं लगवाया, साइड वाइजर अभी आपने रेन वाइजर भी नहीं लगवा रखे यहाँ पे, वो नहीं लगवाए हैं। और पीछे भी काम करवाना बाकी। अच्छा पीछे आपने क्या काम कराया गाड़ी में अगर देखा जाए तो? पीछे तो मोटा मोटा कुछ नहीं, अभी ये क्रोम वगैरह लगवाया था, ये फॉर्च्यूनर जो लिखा हुआ है, हाँ, ये क्रोम का लगवाया था उसमें। और ये कितने का लगा है वैसे? ये 16,000 रुपए का लगाया। 16,000 रुपए का लगा ये? हाँ। भाई यार फॉर्च्यूनर का अलग ही टोर है, मतलब इसके देखो यार ये छोटा सा फॉर्च्यूनर लिखवाने के या क्रोम पार्ट के 16,500 रुपए का प्राइस है इसका कंपनी से, भाई बहुत ज्यादा प्राइस है यार। एक और चीज मैंने साइड व्यू मिरर थे, हाँ, तो इसमें चाबी से अनलॉक, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल थे बट ऑटो फोल्ड नहीं थे, वो एक्सेसरीज का पार्ट था। मतलब जब हम गाड़ी अनलॉक या लॉक करेंगे तो वो चाबी के साथ काम करेंगे, अनलॉक करते ही वो ओपन हो जाएंगे और लॉक करते ही बंद हो जाएंगे। तो वो लगाया तो 5,000 रुपए का लगाया था, 5,000 रुपए का लगा सिस्टम, वो ठीक है वो मुझे सही लगा, वो ज्यादा महंगा नहीं लगा, मतलब इसका कवर 12,500 रुपए का है, गाड़ी का कवर भाई, बॉडी कवर 12,500 रुपए का यार, बॉडी कवर 12,500 रुपए, उसमें क्या है ऐसा?
उसमें कुछ नहीं, गाड़ी ढक जाएगी और क्या है इसमें। तो यार वो तो 3000 वाले में भी आ जाएगा, बड़े यार इजीली कहीं से भी से परचेस कर सकते हो। वो नाम, वो सिर्फ नाम दिखाएगा ना उसमें कि फॉर्च्यूनर, मतलब पता चलना चाहिए कि इसके अंदर फॉर्च्यूनर खड़ी है, तो उसके आपसे वो ले रहे हैं भाई 12,500 रुपए। तो चलो बात करते हैं फॉर्च्यूनर के टायर की, जो कंपनी फिटेड टायर आपको देती है। यार ये जो टायर है ना, ये 17 इंच का एलॉय के साथ आती है, लेकिन अगर बात कर जाए यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है भाई 265 mm का टायर है। कितना चौड़ा टायर है दिखाऊं आपको, देखो मेरा हाथ देखना एक बार, और टायर देखो देखो, मतलब मेरे हाथ से भी ज्यादा चौड़ा टायर है ये। अच्छा बात कर जाए यहाँ पे जितनी भी एक क्रोम पार्ट आपको दिख रहा है, जो विंडो पे फ्रेम किट दिख रही है ना, सारी कंपनी से आती है, इंस्टॉल करी भी आती है, बाद में नहीं लगवाया। तो आ गए हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना, वो आपको दोनों फंक्शन में मिलता है, मतलब कि ये टेलीस्कोपिक और टिल्ट फंक्शन दोनों के साथ आता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाता है, ये टिल्ट हो रहा है और ये टेलीस्कोपिक होता है, मतलब दोनों फंक्शन आते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये मैनुअल वर्जन खरीद रहे हैं तो ये टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज़ ना इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इसकी सीट है, अगर मैं दिखाऊं करके, ये देखो, और इसी तरह से हाइट भी इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो जाती है। मतलब यार ये फीचर मेरे को बहुत जबरदस्त लगता है, मतलब वो नहीं है लीवर वाला सिस्टम नहीं है, लोग बोलते हैं फीचर नहीं है, फीचर ही तो और क्या है ये, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिकली आता है। बात कर जाए यहाँ पे इसके क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको सब मिलता है, चारों पावर विंडो मिलती है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, यहाँ पे सारी चीज आपको मिलती है, जो इसका ORVM है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलता है, चारों पावर विंडो तो आपको पता ही है यार। करूँ तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिलता है यहाँ पे, मतलब आप अपनी जो पेप्सी वगैरह होती है ना वो रख के ठंडी कर सकते हो, ऐसा है फीचर यहाँ पे। इस तरह का यहाँ पे आपको कैबिन मिलता है। अगर बात कर जाए यहाँ पे आपको मोड्स की, तो आपको तीन तरह के मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, तीन तरह के आपको मोड्स मिलते हैं। और ये सारी चीजें हैं यार, एक चीज ना थोड़ी अभी भी मुझे गलती है कि इसमें अभी भी आपको यार ये वाला हैंड ब्रेक मिलता, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हैंड ब्रेक नहीं मिलता, ये चीज मुझे समझ नहीं आती, थोड़ा तो देना चाहिए यार। अब 40-50 lakh आप खर्च कर रहे हो, अभी भी आपको इस तरह का हैंड ब्रेक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकली वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। डीजल वेरियंट है, क्लच वगैरह है, अगर मैं यहाँ पे प्रेस करके भी देखूंगा तो मुझे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती कि गाड़ी प्रेस करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्लच इसका ज्यादा हार्ड है। हाँ स्टीयरिंग भाई बोल रहे थे कि थोड़ा हार्ड है, बट हो सकता है वो वैगनआर से शिफ्ट हुए तो इसलिए उन्हें लग रहा हो। अच्छा यार एक चीज और बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना फीचर नहीं है इसके अंदर, ये वेंटिलेटेड सीट के साथ आती है। वेंटिलेटेड सीट आप सबको पता होगी क्या होती है वो। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि वेंटिलेटेड सीट के अंदर से ठंडी हवा आती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो इंटीरियर आपका, जो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है ना, वो अगर जितना ठंडा होगा या गर्म होगा उस हिसाब से वो हवा आपको वहां पे फील होगी। वैसे बहुत बुरी आदत है वेंटिलेटेड सीट की, अगर आदत पड़ गई ना तो और किसी कार में बैठने का मन नहीं करता है। टेस्ट करते हैं जो प्रैक्टिकल स्पेस है, 7-seater कार है, एक्चुअली में कितना स्पेस है। हम तीनों एक लाइन में बैठे हैं, तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, ड्राइविंग सीट पे 6 feet की मेरी हाइट है। अगर बात करें यहाँ पे सेकंड रो की, तो सेकंड रो में साहिल भाई बैठे हैं, तो साहिल भाई आपको कैसा कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पे? जैसे आप 6 feet से ज्यादा आपकी हाइट, हाँ हाँ, अब मेरा आप लेग स्पेस देख सकते हो, तो लेग स्पेस मेरा है कितना, तो आप देख सकते हैं आराम से, ये देखिए इतना लेग स्पेस बचा हुआ है। और आराम से लोग कैप्टन सीट से जो पीछे जो हाँ हाँ होते हैं ना, वो जैसे बॉस हो गए, हाँ, मेरे ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, तो आराम से कंफर्टेबली पीछे जा सकते हैं, हो गए या लंबे टूर पे जाना हो, तो इसमें ना लेग स्पेस की ना दिक्कत नहीं होती, नहीं होती। अच्छा बैठ सकते हैं। हेडरूम एक बार चेक करेंगे साहिल भाई, कैसा लग रहा है आपको हेडरूम, मतलब सर कितना स्पेस, कितना सर के ऊपर आपको? देख सकते हो आप की मेरे जैसे मेरी 5'7" हाइट है, तो मेरी भी एक एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट से भी आप लेके चलोगे तो इसमें हेडरूम काफी अच्छा मिलता है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ड्राइविंग सीट पे भी मैं अपना हेडरूम आपको दिखा देता हूँ, मेरी 6 feet की हाइट है, तो ऐसा नहीं है कि हेडरूम नहीं है भाई, बहुत बड़ा हेडरूम है, मतलब देखो कितना बड़ा हेडरूम है यार। अच्छा थर्ड रो में भी लेके जाके दिखाते हैं आपको कि थर्ड रो में कितना स्पेस आपको मिलता है। प्रैक्टिकली बात करेंगे तो थर्ड रो में हमारे जो भाई बैठे हैं विकास भाई, तो बताओ भाई कैसा लग रहा है आपको वहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे अगर दो बंदे और बैठ जाए तो भी कोई स्पेस काफी अच्छा है इसका, स्पेस काफी अच्छा है। ऐसा नहीं लगे कि आप सफोकेटेड फील कर रहे हो, या बड़ा कंजस्टेड सा लग रहा हो, कंजस्टेड लग रहा हो, सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अभी ना मैंने देखो ड्राइविंग सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा था, 6 feet के हिसाब से मैंने इसको आगे पीछे नहीं करा, अभी भी मेरे पास कितना ज्यादा लेग रूम है और कितना ज्यादा हेड रूम है यार, आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं, 3 इसमें आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हेडरेस्ट की कमी है, 3 हेडरेस्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट है यार, सेकंड रो तो मुझे बहुत कम्फर्ट लगती है। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार ये मतलब यार फॉर्च्यूनर सनरूफ क्यों नहीं देती है यार, सनरूफ तो देना चाहिए,
अब देखो यार, सनरूफ का वैसे भी कोई प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, बाहर आप निकल सकते नहीं हो ट्रैफिक रूल के हिसाब से, तो यार वो मुझे समझ नहीं आता है। थोड़ा सा आपको बस कॉस्मेटिक लुक बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, फॉर्चुनर क्यों नहीं देती है सनरूफ, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एसी वेंट मिलते हैं ना यहाँ पे आपको रूफ में, वो डायरेक्ट आपके ऊपर आते हैं और ये इतनी जल्दी पूरी गाड़ी को ठंडा कर देता है। अगर बात करें यहाँ पे इस तरह के, यहाँ पे भी एसी वेंट आपको मिलते ही हैं। तो अभी थर्ड रो में भी आपको दिखाता हूँ, थर्ड रो में भी आपको एसी वेंट मिलते हैं। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि ये सनरूफ जो है ना वो नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो इजीली जल्दी से ये चिल हो जाती है, जल्दी से ये ठंडी हो जाती है। सेफ कार है इसलिए बिल्ड क्वालिटी के में वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सनरूफ की वजह से थोड़ा तो बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फाइव स्टार रेटेड कार है, आपको भी पता है ये, मतलब फाइव स्टार तो इसके लिए बहुत छोटा वर्ड हो गया, बहुत ही ज्यादा सेफ कार है ये। यहाँ पे अगर बात करें जहाँ पे स्लॉट्स की, अगर सेकंड रो में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट और 120 वॉट का यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है, यहाँ पे कार चार्जर है इस तरह से, और पॉकेट में भी स्पेस आपको मिल जाता है और इस तरह के हुक्स मिल जाते हैं अपने आपको सामान टांगने के लिए। यहाँ पे आप 2-4 किलो का यहाँ पे सामान आप टांग सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अच्छा, एक बार बैक सीट में मैं दिखाता हूँ जो आर्मरेस्ट हमें मिलता है वो कितना यहाँ पे कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और एक चीज मैं दिखा दूं आपको, कप होल्डर में इसमें आपको मिलते हैं, बड़ा एकदम बड़ा यूनिक सा फीचर है। यहाँ पे निकलते हैं इस तरह से और ये बंद हो जाता है। तीनों इसमें आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे हमारा भाई बैठा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसे नहीं हो रही है, बहुत देर से बैठा रखा है सामने से। तो ये है हमारी फॉर्चुनर, अंदर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस है भाई, सेकंड रो में कुछ ज्यादा ही स्पेस है, ऐसा नहीं है कि सेकंड रो में स्पेस नहीं है। तो इस तरह का आता है बैक लुक फॉर्चुनर का। चार आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, तो आपकी आती है ना एक्चुअली 700, दो ही आते हैं, चार पार्किंग सेंसर है और इस तरह का बैक लुक आता है। अच्छा, एक बार मैं डिग्गी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, देखो इजिली ये रिमोट से ओपन हो जाती है। तो साहिल सर ने यहाँ पे बटन दबा दिया और इस तरह से ओपन हो गई है। अच्छा, चलते हैं एक बार बूट स्पेस की तरफ और 7 सीटर के बावजूद भी इसमें कितना स्पेस आपको मिलता है, मतलब अच्छा खासा अभी भी स्पेस है। देखो यार, वो तो नहीं होगा कि 7 सीटर गाड़ी है तो 7 लोगों का सामान इसमें आ जाएगा, वो तो किसी भी कार में नहीं होता, चाहे 5 सीटर कार हो उसमें 5 लोगों का सामान आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए ना तो प्रैक्टिकल स्पेस है इसके अंदर, सच में प्रैक्टिकल स्पेस है। अगर बात करी जाए इसके बूट स्पेस की तो यार मे बी यार 260-280 लीटर का इसका बूट स्पेस आपको मिलता है। चलो साहिल भाई, एक बार ये बताओ कि इसका बूट स्पेस हम कितना बढ़ा सकते हैं। इसको खींचेंगे इस तरह से यहाँ से और ये देखो इस तरह हो गई और इसको ऊपर कर देंगे। अरे तो करो, हो जाएगा, यहाँ पे एक हुक इसको अटका दो, वहाँ पे अटक जाएगा वो। तो इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जितना मर्जी आप सामान रखो। अब देखो भाई इसका बूट स्पेस कितना ज्यादा बढ़ गया है भाई, बहुत ज्यादा हो गया, अब इजिली इसमें बड़े बड़े बैग आ जाएंगे। चलो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भाई से एक्सपीरियंस लेते हैं, भाई का क्या कैसा लगता है भाई को गाड़ी चलाने में, मतलब कि यार फॉर्च्यूनर चला रहे हैं तो पता चलना चाहिए। एक बार स्टार्ट करो गाड़ी को, मतलब यार देखो अलग ही पावर फील हो जाती है जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, एक अलग ही पावर फील हो जाती है। इंटीरियर में दिखाऊंगा तो ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ आता है आपको, लेकिन जो ये प्लास्टिक है ना, हार्ड प्लास्टिक, ये इस तरह से कि ये सालों साल मतलब ऐसा ही रहेगा, इसका कलर कोई फेड नहीं होगा। अगर बात करें जहाँ पे इनर की, तो यहाँ पे आपको इस तरह की टच स्क्रीन मिलती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। यहीं पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है और ये डुअल वाला है, पीछे भी इसमें एसी वेंट है, भी दिखाऊंगा पीछे की तरफ। और बात करें यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जो आपके स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल होते हैं, वॉइस वगैरह सारी चीजें मिलती हैं आपको, वॉइस असिस्टेंट, और साथ में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। 6 स्पीड के साथ आती है, इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स है जिसमें रिवर्स आपको इस तरफ दिख रहा होगा। देखो गाड़ी में बैठती ना, एक चीज मेरे को जो फील हुई है कि एक थोड़ा गाड़ी के अंदर एक कैबिन नॉइज आता है और थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, लेकिन वो क्यों आता है आपको भी पता है भाई, 450 Nm का टॉर्क है इसका, जब इतनी पावरफुल कोई चीज होगी तो उसकी भाई आवाज थोड़ा वाइब्रेशन तो आपको फील होगा ही। तो एक बार ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेते हैं भाई से कि कैसा लगता है जब तो स्टार्ट करते हैं। पहला गियर डाल दिया हमने यहाँ पे और रिलीज कर दिया हमने यहाँ पे, और ये गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहली चीज मुझे लग रही है ना यार, काफी ज्यादा मुझे इसमें जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे अच्छी बात है मतलब मैं काफी उठा हुआ हूं तो आगे तक देख सकता हूँ, वो जो बोनट है मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है यार। ये चीज ना मतलब और गाड़ियों में नहीं मिल पाती जो यहाँ मुझे फील हो रहा है बैठ के, मतलब कितना ज्यादा स्मूद है, ड्राइविंग बहुत स्मूद है। स्टीयरिंग की अगर बात करी जाए साहिल भाई से, स्टीयरिंग कैसा लगता है आपको इसका? थोड़ा ऐसा ना, पहले मैंने वैगनर चलाई थी, हाँ हाँ, तो उसमें ना थोड़ा इजी था, थोड़ा हल्का स्टीयरिंग था उसमें। ये थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा हैवी है, मतलब यार इतनी बड़ी गाड़ी है। लोगों को तो नहीं पता मुझे कि उनको क्या लगता है क्या नहीं, मैं तो दूसरी तीसरी बार चला रहा हूँ, शायद हैवी लग रहा हो। पहली बार छोटी गाड़ी से बड़ी, पहले मैं हैचबैक चलाता था, अब मैं एसयूवी ली है, तो उसमें थोड़ी बहुत तो लगती है कि हाँ शायद मुझे
एसयूवी में पहली बार चला रहा हूँ तो हैवी हैवी सा लग रहा है। हैवी सा लग रहा है। अच्छा एक बार ना अभी मैं आगे एक कट आएगा वहां से टर्न करवाऊंगा गाड़ी आपकी, यहीं से करते हैं टर्न, और एक बार आप बताओगे टर्न करने में आपको कैसा फील होता है जब गाड़ी आप टर्न करते हैं, टर्निंग रेडियस कितना है, मतलब बड़ी गाड़ी है तो मोड़ने में तो दिक्कत होती होगी इसमें आपको, थोड़ा सा बड़ी गाड़ी है लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी, मतलब की अगर बात करें जहाँ पे इसकी डायमेंशन की तो अब 4800 mm की इसकी लेंथ है, मतलब इतनी लंबी गाड़ी है, और अगर बात करते हैं विड्थ की तो यार 1855 की मैसिव चौड़ाई है, और बात करें जहाँ पे इसकी हाइट की तो यार 1835 mm की इसकी हाइट है, बहुत ही ज्यादा हाइट है। तो गाड़ी यहाँ से मोड़ के देखते हैं कितना इसका टर्निंग रेडियस वगैरह कैसा है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है। तो अभी तक तो मुझे लगा बड़ा इजीली गाड़ी मुड़ गई है, मुझे तो नहीं लगा कि इसका स्टीयरिंग हार्ड है या फिर इस तरह से। मैं पहली बार चला रहा हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि वैगनर से जो जो एक ही चीज शिफ्ट करी है करने में वो यही चीज लगी, थोड़ा स्टीयरिंग मुझे लगा। आपको लगा ओके, बट वैसे मुझे नहीं लगा आपने गाड़ी बड़ा इजीली टर्न कर दिया जैसे बड़ा मक्खन स्टीयरिंग हो। नहीं स्टीयरिंग और क्रूज कंट्रोल वगैरह जो भी चीज है ना, जो ड्राइव कंट्रोल है वो तो काफी अच्छी है। प्रीमियम ब्रेकर में आपको चीजें इतनी फील भी नहीं होंगी कि इतने बड़े ब्रेकर हैं, गड्ढे आते हैं तो गड्ढे। इसका सस्पेंशन ही अलग है यार, मतलब वो बड़े बड़े ब्रेकर पे भी हमें पता नहीं चल रहा, मतलब उस तरह से फील नहीं हो रहा कि गाड़ी आपकी पूरी बैटरी और उठ रही है। तो ये था एक डिटेल रिव्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर का, सारे फीचर मैंने आपको बता दिए हैं, काफी सारे फीचर आते हैं, लोग बोलते हैं इसके अंदर फीचर नहीं है, बहुत ज्यादा फीचर है इसके अंदर। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए, और साहिल भाई से भी बोल देता हूँ कि यार सबको बोल दो यार, लोग ना वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दो भाई का, हमारा चैनल अपने अपना ही चैनल है, भाई का ही चैनल है।